चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान। परम सम्माननीय निदेशक महोदय, सभा में आए सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मानसी सुप्रिया आज कुछ शब्द बोलना चाहूंगी आजादी के बारे में। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जन्म ली, जो वर्षाल बनकर 1947 को हमारे देश को आजाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम बिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगे पसंदी चोला की एक आवाज टोले के टोले उमड़ाते और वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे, क्योंकि वो उस समय की देशभक्ति की। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्होली की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पूरे जिस्म की भी बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना चाहे इंच इंच कट जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना चाहे इंच इंच कट जाना। तब पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पर चढ़ जाने को तैयार था। किंतु आज आज देश आपको मरने को नहीं, मर जाने को नहीं कहता। किंतु मेरे विचारों से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे ना, तो वही उसकी सबसे बड़ी देशभक्ति। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति। और आप ये कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में जब नंगे पांव तिरंगा बेचता रहता, तो क्या उसकी ये देशभक्ति है? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करवाने पे मजबूर करता है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न सिवा लोग को जानते, ना मस्जिद को जानते हैं ना सिवा लोग को जानते, जो पेट के भूखे होते वो सिर्फ भूख के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने समाज का समर्पण करना ही देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो